ये है पुराना डीसी ऑफिस मशरूम चौक, और हम यहीं बस से उतर के मार्केट को साइड जा रहे थे। ये बता रही थी कि ये पुराना डीसी ऑफिस है। पुराने बस स्टैंड के लिए सड़क, और इसमें कितना जाम लगा हुआ, साइड में चलना पड़ता है यहाँ पे। पेट्रोल है ना यहाँ पे, तो मतलब कब कब खुलते हैं, अपने बारे में आप थोड़ा बताएंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम मीनाक्षी है। ये नगर निगम के डेनुलम के तहत हमारे ग्रुप है, और ये शुक्रवार और शनिवार को लगते हैं। एवरी डे हर शुक्रवार और हर शनिवार को होता है ये। अच्छा, हर हफ्ते में शुक्रवार और शनिवार को, दो दिन? हाँ जी, दो दिन। तो इसमें क्या क्या के स्टॉल है आपके? ये हमारे दो स्टॉल इधर खाने के हैं, अचार के हैं, और एक ये बुलन का है। अच्छा, तो ये मतलब ग्रुप है आपके? अच्छा, यहाँ लोकल के हैं आप? अच्छा, और ये बच्चों के साथ है? तो और भी लगते हैं आपके स्टॉल? बाहर बाहर भी जाते हैं आप कहीं? आपका स्टॉल बाहर भी लगते कहीं? बाहर वैसे लगते हैं जी, NRLM के तहत जब जाते हैं तो लगते हैं, पर अभी जो ये डेनुलम के हैं ये सिर्फ यहाँ सोलन में ही लगता है। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब हाथ से बनाए हुए कि मशीनों में बनाए हुए? मशीन निट भी है, ये वाला मशीन निट है। अच्छा, और ये हैंड निट है, और ये वाला क्रोशिया निट है। तो आप तो बिक भी रहा है ये सामान? बिक रहा है अच्छे से, बिक रहा है आजकल तो, वैसे भी सर्दियों आजकल तो बिक ही जाता है। अच्छा, और जो आपके स्टॉल ने खोले हुए ना जिन्होंने, वो वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा वगैरह हो रहा है? हाँ जी, हमारे को ऐसे मटेरियल के लिए लोन वगैरह बैंकों से आराम से मिल जाता है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी देनी नहीं पड़ती वहाँ पे। हाँ जी, तो इसके लिए लोनिंग के लिए बहुत अच्छे से, बाकी हमारी अपनी अर्निंग भी हो जाती है, तो उससे भी हम इंटर लोनिंग करते हैं। तो आपका ग्रुप जैसे है ना, तो एक ग्रुप में कितनी महिलाएँ? एक ग्रुप में हमारी मिनिमम 6 से लेकर 10 तक है। कहाँ से आपका ग्रुप? ये MC ऑफिस सोलन के तहत में। अच्छा, तो हमारा चंबा घाट में। चंबा घाट में? अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, ये आपकी मतलब अचार वगैरह भी बनाते हैं आप? ये अचार भी है, अचार का है, मोमोज है, सिद्धू है। ये आप मालपूड़े बना रहे हैं? हाँ जी, मालपूड़े बन रहे हैं। अच्छा, इधर सिद्धू है, मोमोज है। किस चीज से बने हुए? आटे के, आटे की चीज़ नहीं, अंदर अंदर क्या डाला हुआ इसमें आपने? उड़द की दाल। अच्छा, फ्रूट है, मीठे वाले। अच्छा, तो मतलब जैसे मक्की की रोटी किस हिसाब से देते हैं आप? 50 रुपए की दो रोटी विद साग। अच्छा, 50 रुपए की विद साग? साग, अच्छा। तो मतलब मक्की की रोटी कितनी देंगे उसमें आप? दो मक्की रोटी और साग एक कटोरी। अच्छा, और इसके अलावा मैडम ये है बंद करती है। आप बाहर भी लगाते कहीं स्टॉल की? सोलन में लगाते? अच्छा, बाहर नहीं है? नहीं, अब जैसे ना देखो पंचकुला में दो तो 3 महीने के स्टोर लगे हुए लोगों के, यहाँ सोलन से, शिमला से, यहीं से है हम तो। हाँ जी, ये है ये रागी। अच्छा, रागी ये सारा बेनिफिट के लिए है। अच्छा, रागी। अच्छा, ठीक है, पहले खाइए फिर बात करती हूँ। ये है बाजरा, और प्रेपरेशन सेम है, आटे अलग अलग हैं। जो ग्वार का मैंने आपको खिलाया है उसमें डाली है देसी खाने। इसमें ना ड्राई
इसमें जैसे मक्की की रोटी बनाती तो गैस ज्यादा लगती होगी ना, है ना? चूल्हे में तो कम होता है ना, चूल्हे में तो फिर लकड़ ज्यादा लगती है ना। आपने इसमें वो कलर डाला हुआ ना थोड़ा सा? इसमें नहीं नहीं शक्कर के नहीं है। अच्छा शक्कर वाले बना रहे हैं? शक्कर वाले हैं। अच्छा शक्कर वाले हैं। अच्छा तो ये कैसे देते हैं आप? 20 रुपए देते हैं तो पूरे और अपना चटनी कद्दू की अनारदाने की। अच्छा मैम, ये अपने घर की होती है कि मार्केट से ली हुई होती है? जी अपने घर की होते सारे, ये घर के प्रोडक्ट है सारे, ऐसे भी अपने खेतों के लगाए हुए हैं? खुद लगाए। अच्छा जी। अचार तो भी महिलाओं ने अपने बनाए हुए हैं? ये अचार अपने आप डाल बनाए हुए हैं, मतलब सभी महिलाओं के अपने अपने हो गए ये सब? हाँ जी, अपने अपने घर से लाए। अच्छा ठीक है। सभी को नमस्कार, मैम मेरा नाम रीता है और मैं ग्राम पंचायत बुसाल की रहने वाली हूँ और मेरे ग्रुप का नाम शक्ति स्वयं सहायता समूह है और हमारे संगठन का नाम सतनाम ग्राम संगठन है और हमारे क्लस्टर का नाम नया सवेरा है और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से सन 2019 से जुड़ी हूँ। अच्छा, आपके ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं? 11 महिलाएं मैम हमारे ग्रुप। 11 हैं तो आपका हिसाब किताब ठीक रहता है आपस में? हाँ जी, बढ़िया रहता है। अच्छा आप लोन वगैरह भी लेते हैं बैंक से? हाँ जी, बैंक से तो हमें मैम 3 लाख मिला था वो हमने क्लियर कर दिया हुआ। हाँ जी, बाकी हमारा ग्रुप में चलता है लोन। अच्छा ठीक है। तो आप जैसे कि आपने कहीं बाहर जाना हो, जैसे पंचकूला में महिलाओं के 2-3 महीने के वो लगते स्टोर लगते, तो ऐसे कोई आपको दूर भेजती नहीं है? मैम जाते हैं हमारे ग्रुप से, आजकल भी गए हैं हमारे जो परले स्टॉल वाले मक्की की रोटी वाले सिद्धू वाले, हाँ। वो गए हैं आजकल शिमला। अच्छा शिमला गए हुए रिज मैदान के पास? अच्छा अच्छा। और इससे पहले और ये सारा मटेरियल आपका घर का ही होता है ना सारा? और इसमें क्या है? इसमें लस्सी है। अच्छा लस्सी है, ये अपने घर की है ना? मतलब फ्रेश है ना? अच्छा भी है मैम यहाँ पे और ये साग सब्जी है, दीदी अपने खेतों में उगाते हैं। अच्छा मतलब होम मेड है मैम यहाँ पे सारा ना। महिलाओं को ना अपने पैर पे सारा खड़े रहना चाहिए, मतलब देखो आप जो भी चीज़ है अपने घर की फ्रेश है अपने मार्केट में जाके बिक जाती है, क्यों आपको फायदा मिल रहा है ना इसमें? अपने घर की चीजें लाते हैं ना, जिन्होंने आपका मतलब स्टॉल खोले हुए वो आपको अच्छी तरह गाइड करते हैं, अच्छी तरह हेल्प कर रहे हैं आपकी? अच्छा ठीक है। हाँ जी, हम जैसे पहले हमारे ग्रुप बने, हाँ जी, उसके बाद हम ब्लॉक वालों के साथ जुड़े, फिर हाँ जी, मतलब आप शिमला गए हुए कहीं मेला लगाने गए हुए कहीं बाहर? हाँ जी, सर्स मेला। हाँ जी, अच्छा जाते हैं हमारे हमारे ग्रुप के जाते हैं। अच्छा जाते हैं शिमला में? अच्छा हाँ जी मैम, साग रो मक्की की रोटी वगैरह। अच्छा ठीक है मैम, हमें NRLM की तरफ से जॉब मिली है जो कि मीरा के नाम से है नीचे यहाँ पे DC ऑफिस पे। अच्छा जी, वहाँ पे सभी महिलाओं के प्रोडक्ट रहते हैं, वहाँ पे हमारी ये जो ग्रुप की महिलाएं ना मैम वहाँ पे सिड्डू और मक्की की रोटी मतलब खाने की चीज़ें हर एक चीज़ रखती है नीचे। अच्छा जी, वहाँ पे सभी के प्रोडक्ट रहते हैं, चाय है, पकौड़े हैं, हर एक चीज़। कितने बजे से कितने बजे तक लगता है आपका स्टॉल ये मैम? हमारा शुक्र शनिवार को टाइमिंग का इसमें कुछ नहीं है, सुबह लगाओ शाम को जब मत। अच्छा ठीक है, थैंक यू आपका।
मैम हमें NRLM की तरफ से जॉब मिली है जो कि मीरा के नाम से है नीचे यहाँ पे DC ऑफिस पे। अच्छा जी, वहाँ पे सभी महिलाओं के प्रोडक्ट रहते हैं। वहाँ पे हमारी ये जो ग्रुप की महिला है ना मैम, वहाँ पे सीडू और मक्की की रोटी, मतलब खाने की चीज़ें हर एक चीज़ रखती है नीचे। कितने बजे से कितने बजे तक लगता है आपका शोल? ये मैम हमारा शुक्र शनिवार को है, टाइमिंग का इसमें कुछ नहीं है, सुबह लगाओ शाम को जब मतलब। अच्छा ठीक, थैंक यू आपका।